नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी विधानसभा की स्पेशल सीरीज को आप सभी का भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका दिल से आभार। हम समय समय पर हमारे दर्शकों की डिमांड का ध्यान रखते हुए इस सीरीज में अलग अलग विधानसभाओं को लेकर स्पेशल रिपोर्ट तैयार करते हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक माने जाने वाली राजनांदगांव विधानसभा सीट की। राजनांदगांव विधानसभा सीट एक सामान्य सीट है। ये सीट राजनांदगांव लोकसभा का हिस्सा है जो केंद्रीय इलाके में पड़ता है। पिछले सेंसस के मुताबिक इस सीट पर कुल वोटों की संख्या 1,80,300 थी। ये सीट अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का अपराजित गढ़ मानी जाती है। मगर शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। जब साल 2003 में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, तब राजनांदगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उदय मुदलियार ने 43,081 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के लीलाराम भोजवानी को हराया था, जिन्हें कुल 43,041 वोट मिले थे। आप देखिए कि जीत का अंतर महज 40 वोटों का था और इस तरह ये सीट कांग्रेस के कब्जे में आई। हालांकि ये वही साल था जब डॉक्टर रमन सिंह की ताजपोशी बतौर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर हुई थी। इसके बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस सीट से टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने अपने सिटिंग MLA उदय मुदलियार को चुनावी मैदान में उतारा। उस चुनाव में ये पहली बार था जब डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से जीतकर विधायक बने। उन्हें 77,230 वोट मिले थे, जबकि तत्कालीन कांग्रेस विधायक उदय मुदलियार के पाले में सिर्फ 44,841 वोट ही आ पाए। फिर आया 2013 का विधानसभा चुनाव। उस समय छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय मुदलियार भी शहीद हो गए थे। कांग्रेस ने सहानुभूति लहर को भुनाने के मकसद से राजनांदगांव सीट से पूर्व विधायक उदय मुदलियार की पत्नी अलका मुदलियार को इस सीट से टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने अपना प्रत्याशी पिछले चुनावों की तरह बरकरार रखा और तत्कालीन CM डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा मौका मिला। उस चुनाव में रमन सिंह को कुल 86,797 वोट मिले थे। वहीं अलका उदय मुदलियार महज 50,931 वोटों तक ही सिमट गई और कांग्रेस सहानुभूति वोट हासिल नहीं कर पाई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार राजनांदगांव सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जीत का विश्वास जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया और बीजेपी का यह विश्वास एक बार फिर रंग लाया। डॉक्टर रमन सिंह ने यहां से चुनावी जीत की हैट्रिक लगाई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी स्वर्गीय करुणा शुक्ला को हराया। आपको बता दें कि स्वर्गीय करुणा शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। उस चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह को 80,589 वोट मिले, जबकि स्वर्गीय करुणा शुक्ला को 63,656 वोट ही हासिल हो पाए। मगर इस बड़ी लीड के बावजूद डॉक्टर रमन सिंह इस विधानसभा से विधायक तो बन गए, मगर अपनी CM की कुर्सी नहीं बचा पाए, क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 90 विधानसभाओं में एक तिहाई बहुमत से जीत कर सरकार बनाई और CM का पद तत्कालीन PCC चीफ भूपेश बघेल को मिला। दोस्तों, वर्तमान में यदि देखा जाए तो बीजेपी में डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। हालांकि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर बनाया है, लेकिन इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या उन्हें पार्टी राजनांदगांव विधानसभा सीट से फिर से मौका देगी और क्या बीजेपी उन्हें एक बार फिर CM फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी? ऐसा होना इस बार हमें तो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह अब काफी वरिष्ठ हो चुके हैं। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि डॉक्टर रमन सिंह को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।